बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 3C, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज़ दी गई हैं, और इन एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हम देखते हैं कि अगर हम एक इंटीजर लाइन के ऊपर एक नंबर हम चेक करते हैं -4, जब हम -4 को लिखेंगे तो हमारे पास ये जो वर्टिकल बार या लाइन नज़र आएगी, और इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यू होगी हमारे पास कहलाएगी एब्सोल्यूट वैल्यू। जब भी हम इस वर्टिकल बार या लाइन से इस नंबर को हटाएंगे तो फिर हमारे पास ये नंबर जो है वो नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, और हमारे पास ये हमेशा नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर जो है वो शो होगा। एक्सरसाइज 4C का हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, सिंप्लीफाई, इसका पार्ट ए है। इसमें हमारे पास जो है वो -16 एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है। जब ये हमारे पास बार नज़र आ रही है, हमारे पास बार या एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है, इसके अंदर बार के अंदर जो वैल्यू होती है, हम इस वैल्यू को इस बार से जब हम निकाल के लिखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, यानी इसमें हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास 16 आएगा। इसी तरीके से हम इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट बी देखते हैं। 91 है हमारे पास वर्टिकल बार में, जब हम इसको वर्टिकल बार से निकाल के लिखेंगे, हटा के लिखेंगे, तो हमारे पास ये सिंपली पॉजिटिव ही आ जाएगा। बस ये चीज़ याद रखने की है कि जो हमारे पास नेगेटिव नंबर होगा वर्टिकल बार के अंदर वो हमेशा पॉजिटिव शो होगा, और पॉजिटिव नंबर जो हमारे पास वर्टिकल बार के अंदर होगा वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही लिखा जाएगा। अब हम इसका पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में हमारे पास जो है वो -86 है वर्टिकल बार के अंदर, और जब हम इसको वर्टिकल बार से हटा के लिखेंगे तो ये हमारे पास जो है वो 86 आ जाएगा। इसी तरीका से पार्ट डी में हम देखते हैं, वर्टिकल बार के अंदर हमारे पास जो वैल्यू दी गई है एब्सोल्यूट वैल्यू वो -73 है। जब हम इस -73 वैल्यू को इसमें से हटाएंगे यानी निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 73 आएगा। तो हमारे पास इसके अंदर वर्टिकल बार के अंदर जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, जब भी वो वैल्यू इस वर्टिकल बार से हम हटा के यानी निकालेंगे इसको, तो हमारे पास वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी।